Hey guys, this is me Pradeep Saini and welcome back in my YouTube channel NCLICSRN Preparation with Pradeep Saini. Guys, ये video मैं बहुत ही requested way में बना रहा हूँ. In this video, I am going to share my personal experience that how I passed my NCLICSRN exam at 75 question. And also in this video, I am going to give you about 38 tips and tricks that how you pass your NCLICSRN exam at 75 question in your very next attempt. So, video ko last tak zarur dekhna. Step by step, ek ek tip and tricks ko achhe se detail mein discuss karenge and video ke last mein aap logon ko dunga ek shandar bonus point, shandar tip, jiski wajah se aapka exam crack ho sakta hai. So guys, all you what you need to do to pass your NCLICSRN exam in very next attempt. These are the combination of blueprints that you need it to pass your NCLICSRN exam at very next attempt. Guys, these blueprints are much enough to pass your NCLICSRN exam in very next attempt at 75 question. Guys, believe me, trust me, you will defeat your NCLICSRN exam in very next attempt by the combination of these blueprints. Guys, ek ek blueprint ko, ek ek topic ko अच्छे से इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस मत करना. गाइज, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम जैसे कि मैंने किया है. गाइज, यू डोंट बिलीव मी, मैंने 1.5 साल कंटिन्यू स्ट्रगल किया है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. आई रीड एवरीथिंग लाइक अ सॉन्ड्रस, एज यू कैन सी माई बुक हेयर. मैंने अच्छे से एक एक पेज को, अच्छे से एक एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. हाईलाइट किए हुए हैं टॉपिक, आप देख सकते हैं, है ना. और मोस्बी, लिपिनकोट, सॉन्ड्रस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. अबाउट 6000 क्वेश्चंस मैंने रीड कर चुका हूँ. मैं एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. डिजीज डायग्नोस असेसमेंट, डेलीगेशन, प्रायोरिटाइजेशन असेसमेंट, ड्रग्स, एक एक ड्रग्स को, इम्पोर्टेंट ड्रग्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. एंड रिजल्ट, इन सब चीज़ों का, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एंड रिजल्ट इन सब चीज़ों का क्या निकलता है. एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं आता इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी. सो राइट टेक्निक, राइट स्ट्रेटजी, राइट प्रोटोकॉल, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हर चीज़ का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ. ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ढेर सारे टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, अबाउट 38 टिप्स, और एक एक टिप्स को वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टे विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डेफिनेटली गाइज यू विल पास योर NCLICSRN एग्जाम इन वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट. सो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो. Guys, tip number one, NCLICSRN lab values. Guys, you must know about each NCLICSRN lab value, including drug level, therapeutic level, टॉक्सिसिटी लेवल. लैब वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए. बहुत क्वेश्चन आते हैं लैब वैल्यूज़ के ऊपर. अगर आपको लैब वैल्यूज़ नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं. सो ट्राई टू रिमेंबर एवरी डे ईच लैब वैल्यू, ईच NCLICSRN लैब वैल्यूज़. एंड इसका जैसे मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, हाईलाइट किए हुए हैं, एवरी डे मैं इनको पढ़ता था. आप अपने ऐसे ही प्रिंट आउट लेके आप अपने स्टडी टेबल पे, अपने स्टडी रूम में आप इसको लगा सकते हैं और एवरी डे आप इसको याद कर सकते हैं. गाइज, टिप नंबर टू, NCLICSRN triage system. You must know about NCLICSRN triage system, about color coding. आपको इस color coding के बारे में, कौन सा patient किस category में जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. और इस topic के ऊपर exam में 2 या 3 question आते ही आते हैं. And इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली बुक. आप इस बुक में से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जिसमें से आपका प्रायोरिटाइजेशन, डेलीगेशन, असेसमेंट के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे. गाइज, टिप नंबर थ्री, लीथल ड्रग एंड देयर एंटीडोट. यू मस्ट नो ईच ड्रग, ईच लीथल ड्रग एंड देयर एंटीडोट. मेक योर ओन नोट्स जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं. एग्जाम में बहुत हेल्प होती है इस एंटीडोट और लीथल ड्रग्स की. गाइस, टिप नंबर फोर, मेक अ लिस्ट ऑफ NCLICSRN थंब रूल. थंब रूल आप अपने थंब रूल बना लीजिए, जैसे कि NCLICSRN के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्सिटोनिन और डाइजोक्शन को एक साथ नहीं देना होता, बोथ आर कार्डिक डिप्रेसेंट. एंड सेकेंड थंब रूल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे पैराथायरॉयड है, PTH हार्मोन है, PTH हार्मोन का कैल्सिटोनिन के साथ क्या रिलेशन है. PTH अगर बॉडी में बढ़ता है, ब्लड में बढ़ता है, तो कैल्सिटोनिन डिक्रीज होता है. ये थंब रूल है. एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, कैल्सिटोनिन अगर इंक्रीज होता है ब्लड में तो देन PTH बॉडी में डिक्रीज होता है. ये दोनों ही हार्मोन ब्लड में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है.
कैल्सिटोनिन कैल्शियम का फोस्फेट के साथ क्या रूल है, कैल्शियम बढ़ेगा फोस्फेट डिक्रीज होगा, कैल्शियम डिक्रीज होगा तो फोस्फेट इंक्रीज होगा, मैग्नीशियम का कैल्शियम के साथ क्या रूल है ना। जो चीज़ कॉन्स्टेंट है, जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती मेडिकल साइंस में, एनक्लेक्स आरएन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थंब रूल्स याद करने आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इनके बिना आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता। अगर थंब रूल्स के बारे में आपको पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकते। सो ट्राई टू मेक अ थंब रूल्स लिस्ट कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किसके साथ फिट बैठता है। गाइज, टिप नंबर 5, इन्फेक्शन एंड सेफ्टी कंट्रोल। यू मस्ट नो अबाउट एनक्लेक्स सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस, लाइक एयरबोर्न में कौन कौन सी डिजीज आती हैं और एयरबोर्न में हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, है ना। ऐसे ही ड्रॉपलेट्स में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं और इसमें हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। फिर थर्ड वन है कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं और इसमें हम कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वन आती है हमारी, ये कुछ ऐसे डिजीज़ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इस चार्ट में नहीं है। सो ये डिजीज़ मैंने फाइंड आउट कर करके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑथर को फॉलो कर करके वहाँ से उठा के यहाँ से मैंने पेन से बाय हार्ट लिखे हुए हैं। और फोर्थ वन जिसकी मैं बात कर रहा था वो आती है हमारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आते हैं जैसे पेशेंट, ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट्स एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस वाला है या फिर ड्रोपलेट वाला है या फिर कॉन्टैक्ट वाला है एयरबोर्न वाला, डजेंट मैटर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमने सभी में लेने ही लेने होते हैं। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में कौन कौन से प्रिकॉशंस आते हैं वो सब आपको, ये सारी डिजीज़ जितनी भी आप देख रहे हो, एयरबोर्न, ड्रोपलेट एंड कॉन्टैक्ट, इसकी सारी डिजीज़ और सारे प्रिकॉशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए बाय हार्ट। और इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बता दूं, 3 या 4 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते ही आते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गाइज, टिप नंबर 6, वैक्सीन्स। यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी वैक्सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव वैक्सीन्स कौन सी है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिकेशन फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कौन कौन सी वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है फ्लू की वैक्सीन। यहाँ यूएसए और कनाडा में फ्लू को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो फ्लू में भी आगे दो टाइप्स की वैक्सीन आती हैं, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आती है और एक इनएक्टिव वैक्सीनेशन आती है। लाइव जो नेजल के थ्रू देते हैं, स्प्रे के थ्रू देते हैं, और इनएक्टिवेटेड जो हम इंजेक्शन से देते हैं। सो आपको इन वैक्सीन्स के ऊपर भी आपको रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये सारा आपको याद होना चाहिए। थर्ड आपको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके ऊपर भी जैसे लाइव एटेन्यूएटेड कौन सी है, किल्ड कौन सी है, कौन सी वैक्सीन किस मंथ में देते हैं, सो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। टिप नंबर 7, ECG। ECG आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम। ECG के ऊपर फाइनल एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ECG के ऊपर आपको VT, VF, SVT, STEMI, non-STEMI, ये सभी ECG की जो जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको ECG के बारे में ये आपको डायग्राम बाय हार्ट याद होने चाहिए। और ECG के ऊपर आपको ये सारे, जैसे इंक्लूडिंग ट्रांसडे पॉइंट्स कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, इन सब चीज़ों का, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ECG के ऊपर आपको जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ECG के ऊपर आने चाहिए। एंड फाइनली इसी ECG के ऊपर आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स ऑन कार्डियोवर्जन्स के ऊपर गोल्डन रूल क्या है। सो ये सारी चीज़ें ECG के ऊपर आप ऐसे प्रिंटआउट्स, PDF फाइल का प्रिंटआउट लेके आप इसको एवरीडे याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड या साटा बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर। गाइज, टिप नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक अ लिस्ट और टेबल ऑन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस चार्ट। अच्छे से इस चार्ट को याद कर लो, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन,
साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, साब, सभी के सभी इसी चार्ट के ऊपर बेस्ड हैं। ये चार्ट अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल्स है ड्रग्स कैटेगरी में हमारी बॉडी में, है ना, ये अगर आपने याद कर लिया तो किसी भी ड्रग्स के आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी के सभी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट इसी चार्ट में से निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसमें वेट टिश्यूज आते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए पीलोकार्पिन ड्रग्स है, स्लर्ड्स जैसे स्लाइवेशंस आते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में। एगोनिस्ट यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, उसमें स्लर्ड्स इशू आते हैं, स्लाइवेशन, वेट टिश्यू, लैक्रेशन, डिफिकेशन, डाइजेशन, है ना। और अगर दूसरे हैंड की बात करते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक, तो इसमें ड्राई इशू आते हैं। सो अगर आपने ये सारे के सारे जैसे साइड इफ़ेक्ट अगर आपने याद कर लिए, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट याद करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपने ड्रग्स का नाम याद करना है, आपकी सारी सॉल्यूशन खत्म। 95% फार्माकोलॉजिकल सिस्टम इसी सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक चार्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सो आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, आपकी सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम खत्म। सिर्फ ड्रग्स का नाम याद करना है, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट को भूल जाओ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग कैटेगरी, ट्राई टू मेक अ लिस्ट और टेबल जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इसमें क्रॉस रिएक्शन ड्रग्स, जैसे एग्जांपल के लिए पेंसिलिन के साथ कौन सी रिएक्शंस है, ये टोटल अबाउट यहाँ पे मेरे पास है, टोटल अबाउट 23 ड्रग्स कैटेगरी हैं जो एक दूसरे के साथ को क्रॉस रिएक्शन करती हैं। एक दूसरे के साथ ड्रग्स नहीं देनी, कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स कैटेगरी, ट्राई टू मेक अ ट्रेटोजेनिक ड्रग लिस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेटोजेनिक ड्रग लिस्ट आपने ऐसे बनानी है, जैसे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग नहीं देनी, फिनोटोइन, लिथियम, वेलपोरेट, ये सारी हैं। और उसके बाद जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है ड्रग्स के ऊपर, आपने जो एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, राइट। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 टिप्स हैं इसके अंदर जो आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, बना लेनी है, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लेने हैं और एवरीडे याद करने हैं। आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। गाइज, टिप नंबर 9, यू मस्ट नो अबाउट एवरी कल्चर कंसिडरेशन। व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता ही आता है। सेकेंड, दिस अलाउ द नर्स टू टेक बेटर केयर ऑफ देयर क्लाइंट। अब इस कल्चरल कंसिडरेशन में हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, पेशेंट्स कल्चर बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके डेली लाइफ हॉस्पिटल में भी, प्रैक्टिस में भी ये टॉपिक काम आता है। इसमें जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी रिलीजियस है, सबके ऊपर जो लोग, सबके ऊपर कल्चरल कंसिडरेशंस के ऊपर थोड़ा ब्रीफ पॉइंट बताए गए हैं कि जैसे हिंदुज़म कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इस्लामिक में क्या प्रैक्टिस है, ऑर्थोडॉक्स जेविस में क्या प्रैक्टिस है, एंड इस्लामिक में क्या प्रैक्टिस है, ऑर्थो जोविस विटनेस क्या प्रैक्टिस करते हैं, 7-day एडवेंचर्स चर्च ऑफ गॉड क्या प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुज़म क्या करते हैं, एंड एशियन अमेरिकन किस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, लैटिनो अमेरिकन किस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, यूजिंग इंटरप्रिटेटर एंड ऑफ लाइफ केयर, ओके। एंड देन लास्ट में इस पीडीएफ में ये मिस था, एमिश किस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। सो आपको इन सारे कल्चरल कंसिडरेशन के ऊपर हर एक पॉइंट आपको आना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको एग्ज़ाम में किस कल्चर के ऊपर, किस रिलीजियस के ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने रीड करना है। गाइज, टिप नंबर 10, लीगल एथिक्स, एथिकल कॉन्सेप्ट एंड एडवांस डायरेक्टिव्स, क्वालिटी एश्योरेंस, परफॉर्मेंस कमेटी एंड हिपा, आपको इन सब कंसेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। और वैसे भी आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ये काम आता ही आता है। एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या आता है। जस्टिस, पेशेंट्स के साथ जस्टिस कैसे करना है, बेनिफिशियरी, डूइंग गुड फॉर द पेशेंट, पेशेंट की भलाई के लिए क्या काम करना है, नॉन मालफिशियंस, किसी को हार्म नहीं करना, डूइंग नो हार्म, अकाउंटेबिलिटी, आरएन की क्या अकाउंटेबिलिटी है, फिडेलिटी, ट्रस्ट कैसे मेंटेन करना है पेशेंट के साथ, फॉल्स रिश्योरेंस नहीं देनी, ऑटोनॉमी, मेक योर क्लाइंट इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी कैसे कर सकते हैं पेशेंट की, है ना। उसके बाद वेरेसिटी, टेलिंग द ट्रूथ टू द पेशेंट, है ना। सो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से, लीगल कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है, एडवांस डायरेक्टिव्स में क्या आता है, लिविंग विल्स में क्या आता है, मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्निटी में क्या आता है, ओके। एंड देन फेडरल्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेग्लिजेंस, हिपा के बारे में आपको पता होना चाहिए।
सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस। गाइज टिप नंबर 11, गोल्डन रूल एंड गोल्डन ब्लूप्रिंट्स ऑन फार्माकोलॉजिकल सिस्टम विच आर रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। डोंट डू एनी रेक्टिफिकेशन फ्रॉम सोंड्रस, मोसबी, लिपिनकोट, दोज गिव यू अ वेरी बिग हेडेक इन फार्माकोलॉजिकल सिस्टम। आई नो कि कितना मुश्किल होता है इतनी सारी मेडिसिन के नाम याद रखना, इतनी सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को याद करना। सो डोंट डू एनी रेक्टिफिकेशन फ्रॉम सोंड्रस, लिपिनकोट, मोसबी, किसी बुक से कोई रेक्टिफिकेशन। जस्ट ये 15-20 पेज की गाइज पीडीएफ फाइल है जो आपको याद करनी है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। यही ड्रग्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, एंटीकोगुलेंट से लेके आपकी हर ड्रग्स जो जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हैं, फार्मा मेडिकल सर्जिकल सिस्टम से लेके आपकी पीडियाट्रिक्स, हर ड्रग्स इसमें कवर है और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इन्हीं ड्रग्स में से एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो इन ड्रग्स को अच्छे से, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, अच्छे से याद करना है। इतनी ज़्यादा ड्रग्स हैं मोसबी में, लिपिनकोट में, वो सारी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोंड्रस में सिर्फ यही 15-20 पेज की फाइल है जो आपको याद करनी है, स्टेप बाय स्टेप याद करनी है, एवरी डे याद करनी है, और आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। टिप नंबर 12, गाइज यू मस्ट नो अबाउट ईच इलेक्ट्रोलाइट लाइक फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, एंड यू मस्ट नो अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑन दीज इलेक्ट्रोलाइट लाइक साइन एंड सिम्टम, कॉजेस एंड द ट्रीटमेंट। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल हियर। इन केस ऑफ हाइपर कैल्शियम, जब भी बॉडी में कैल्शियम बढ़ता है, देन द थंब रूल इज दैट एवरीथिंग गोज डाउन। लेट्स सी द एग्जांपल हियर, लाइक अ न्यूरोमस्कुलर्स में क्या क्या होगा, एवरीथिंग, जस्ट थंब रूल ये है कि एवरीथिंग गोज डाउन, सब कुछ मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डाउन होगा ही होगा इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। लाइक न्यूरोमस्कुलर में होगा वीकनेस, फ्लैसिड, डिक्रीज डीटीडी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। कार्डियोवैस्कुलर में आपका ब्रैडीकार्डिया, साइनोसिस, आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा जो कि एनक्लेक्स स्टेप्स है। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर में आपका LOC डिक्रीज होगा, फटीग होगा, GI में आपकी हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होएंगी, है ना, सो एब्डोमन पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लुक डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपने हर एक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर थंब रूल बना लेने हैं, जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने बनाए हैं। को थोड़ा सा जो ये साइन एंड सिम्टम है, ट्रीटमेंट है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पढ़ना है। जैसे इनकेस ऑफ हाइपरकैलेमिया है ना, हाइपोकैलेमिया है फिर, है ना, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो हर चीज़ का। हाइपर कैल्शियमिया है, पोटासियम बढ़ेगा तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम आएंगे, इस तरीके से आप, सोडियम कम होगा तो बॉडी में किस टाइप के सिम्टम आएंगे, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ECG चेंजेस कौन कौन से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ सकते हो। सेकेंड आपका ये जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्लूड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा डिजीज़ में कौन सा फ्लूड हमने देना है। जस्ट इन केस ऑफ बर्न वाले पेशेंट को हम RL देते हैं, है ना, सिड्स वाले केस में जब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरियोटिक्स होता है, उसमें सोडियम डाइल्यूट हो जाता है, तो इन दिस केस वी गोना गिव अ पेशेंट 3% नॉर्मल सलाइन, यानी कि हाइपरटोनिक सलाइन हम देंगे उसमें। और जैसे कि क्लोज हेड इंजरी है, क्लोज हेड इंजरी में ICP बढ़ जाता है, तो ICP बढ़, इन केस ऑफ ICP जब इंक्रीज होता है तो हम वहाँ पे भी हाइपरटोनिक सलाइन दे। जैसे सेप्टिक शोक है, हाइपोवोल्मिक शोक है, उनमें हम आइसोटोनिक फ्लूड देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, है ना। गाइज टिप नंबर 14, कार्डियोजेनिक शोक, एनाफिलैक्टिक शोक एंड हाइपोवोल्मिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक, ये तीनों ही शोक्स के बारे में आपको साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, हर चीज़ के बारे में आपको, तीनों ही शोक के बारे में आपको, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंटरवेंशन से लेके असेसमेंट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीनों ही शोक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पता होना चाहिए तीनों शोक में क्या क्या डिफरेंट है, है ना। तो ये तीनों ही शोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन शोक्स को अच्छे से आपने डिस्कस करना है। हाइपोवोल्मिक है, न्यूरोजेनिक है एंड कार्डियोजेनिक और एनाफिलैक्टिक शॉक है, राइट। गाइज टिप नंबर 15 है डेलीगेशन टॉपिक। डेलीगेशन टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, RN, LPN, UAP की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा टेबल बनाया था मैंने, है ना, हर एक टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि RN की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, LPN की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड
यूएपी की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पोर्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट वन और टू और इवन थ्री क्वेश्चन इन फाइनल आरएन एग्जाम। हर टाइप की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आनी ही आनी चाहिए। गाइज टिप नंबर 16 में इंक्लूडेड है जैसे पीडियाट्रिक्स नॉर्मल वाइटल साइन आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट होते हैं, अडल्ट से पीडियाट्रिक्स के थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो ये पीडियाट्रिक्स वाइटल साइन आपको अच्छे से आने चाहिए। रूल ऑफ नाइन के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। पार्कलैंड फार्मूला है, पार्कलैंड फार्मूला के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट 8 आवर में कितना फ्लूड देना है, देन रिमेनिंग 16 आवर में कितना फ्लूड देना है, टोटल 24 आवर में, है ना, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। परसेंटेज आपको याद आनी चाहिए अच्छे से। जिस भी स्टेट में आपने प्रैक्टिस करनी है उस स्टेट के कलर कोडिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं ओहायो में प्रैक्टिस करता हूँ, ओहायो बोर्ड ऑफ नर्सिंग के हर एक कलर कोडिंग सिस्टम, जैसे रेड कोड फायर के लिए होता है ना, ग्रे कोड सीवियर वेदर के लिए होता है, ऐसे ही ये हर स्टेट के अलग अलग कोड होते हैं। जिस भी स्टेट में आपने प्रैक्टिस करनी है उस स्टेट की कलर कोडिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज आपका आता है अफगार स्कोर। अफगार स्कोर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स होते हैं। 0-3% में बच्चा सीवियर डिप्रेशन में होता है, 4-6 में बच्चा मॉडरेट में होता है, एक्सीलेंट कंडीशन में फिर जैसे मोर देन 7 होता है तो बच्चा एक्सीलेंट कंडीशन में होता है ना, तो ये अफगार स्कोर के बारे में आपको अच्छे से याद आना चाहिए, चार्ट अच्छे से आना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पीडियाट्रिक्स में कि आपको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, पेड्स में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका एग्जाम यूं चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। आपको इतनी बड़ी बड़ी जो ये है ना, ये बुक, ये सोंड्रस, जैसे मैंने पढ़ा था इतना ज्यादा स्ट्रगल मैंने किया था, सोंड्रस पढ़ी, लिपिन कोड पढ़ा, मोस भी पढ़ी, 6,000-7,000 क्वेश्चन क्यू बैंक किया, इतना सब कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। एंड रिजल्ट यही होता है कि एग्जाम में ऐसा इन बुक्सों में से रिलेटेड एग्जाम में कुछ नहीं होता, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक के ऊपर जब आप काम करते हो ना, एक एक टॉपिक को रेगुलर एवरी डे क्लियर करते हो, तो आपका एग्जाम यूं चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता एग्जाम पास होने से आपका। गाइस टिप नंबर 17 है आपकी इंसुलिन के ऊपर। आपको इंसुलिन टॉपिक इज 110% इंपॉर्टेंट। इंसुलिन के बारे में आपको, हर टाइप ऑफ इंसुलिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल के लिए शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशन में आता है आपका, जैसे लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लोलिसिन, दीज थ्री इंसुलिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बिफोर मील आपको ये देनी ही देनी होती है, अनलेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 70। अगर लेस देन 70 होता है पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज इन द मॉर्निंग, देन वी कांट गिव दीज थ्री इंसुलिन, है ना। तो ये बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन है इंसुलिन के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है जो रेगुलर इंसुलिन है, शॉर्ट ड्यूरेशन में आती है, दैट इज द ओनली वन इंसुलिन दैट वी कैन गिव आईवी टू द पेशेंट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल। जैसे अब इंटरमिटेंट के बारे में देख लो, एनपीएच थोड़ी क्लाउडी होती है, एनपीएच एंड रेगुलर इंसुलिन वी कैन मेक इन अ सेम सिरिंज एंड वी कैन गिव टू द पेशेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनपीएच और जो रेगुलर इंसुलिन है उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ ये दो ही ऐसे इंसुलिन है जिनको आपस में मिक्स कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। और फिर इसके अंदर भी आपको एक जनरल व्यू ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी जो इंसुलिन है वो हमने ड्रॉ करनी होती है ना। तो ये सारी चीजों का आपके बारे में पता होना चाहिए। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको जो ग्लार्गिन और डिटिमर है इनका कोई, दीज इंसुलिन डजंट हैव एनी पीक एक्शन, है ना। सो ये पेशेंट को देनी ही देनी होती है। इट डजंट मैटर कि पेशेंट की ग्लूकोज आपकी 70 है, 500 है, कोई भी रेंज है, ये देनी ही देनी है लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, है ना। सो ये जनरल ओवरव्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं, जैसे ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। मेटफॉर्मिन है, एक लिस्ट है ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट की, है ना। सल्फा यूरिया वाले ड्रग्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गाइज टिप नंबर 18 है हमारे पास असेसमेंट एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट ऑफ कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। रूल होते हैं इसके अंदर, वो अच्छे से याद करनी है, थंब रूल आपने अच्छे से याद करनी है इन दोनों डिजीज के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इन केस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक सिम्टम होते हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक सिम्टम जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक सिम्टम इन हाइपोथायरॉइडिज्म। एंड इन केस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक सिम्टम जो है बॉडी की एक्साइटमेंट होती है, हर बॉडी के जो मेटाबॉलिक सिस्टम होते हैं वो एक्साइटमेंट होती है, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपका वेट
वेट रिड्यूस जल्दी होगा, है ना। तो इस तरीके से ये साइन एंड सिम्टम है जो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे ही थंब रूल आपका कुशिंग डिजीज और एडिशन डिजीज के ऊपर बने हुए हैं। कुशिंग डिजीज एंड एडिशन डिजीज के ऊपर आपने ये थंब रूल आपने अच्छे से पढ़ने हैं। और देन उसके बाद आपका इस टिप के अंदर आता है आपका ये प्रोसीजर होता है गाइज यहाँ पे कि एनपीएच और जो मैंने पहले भी बताया था कि एनपीएच में और रेगुलर इंसुलिन, ये दोनों ही इंसुलिन ऐसी हैं जिनको हम आपस में मिक्स कर सकते हैं। और इनको ये प्रोसीजर होता है कि जब ये दोनों ड्रग एक साथ एक सिरिंज में पेशेंट को देनी होती है, कि ये स्टेप्स होते हैं। कई बार ये पेपर में ऑर्डर ड्रॉ करते हैं ना हम, जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में ऑर्डर ड्रॉ में ये क्वेश्चन, ऐसे वाला क्वेश्चन आता है बहुत लोगों को। मेरे बहुत स्टूडेंट थे, क्लासमेट थे, उनको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आया है, मुझे भी आया था ये क्वेश्चन। ऑर्डर ड्रॉ करना होता है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है जैसे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ये तो चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसके बिना तो आपका नहीं गुजारा होने वाला, ये तो आता ही आता है एग्जाम के अंदर। गाइस टिप नंबर 19 है हमारी, जो टिप नंबर 19 के अंदर जो टॉपिक आते हैं हमारे को, जितनी भी हमारी 12 क्रेनियल नर्व है उनके नाम याद होने चाहिए अच्छे से। जैसे कि ओटा फगवा, ये फार्मूला है 1 2 3 4, आप इस तरीके से ये फार्मूला बना सकते हैं, है ना। और इनके हर जो 12 क्रेनियल नर्व है इनके नाम एंड इनके फंक्शन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपका GCS स्केल है वो आपको पता होना चाहिए, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर इंजरी में हमें क्या करना है और इसकी कैटेगरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन उसके बाद ये पोजीशन कई बार डायग्राम के हिसाब से एग्जाम में आ जाती है, जैसे डिकोर्टिकेट और डिसेरिब्रेटेड पोजीशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड इस पोजीशन में आपको ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होता है वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका ICP साइन, जब आपका जितने भी साइन ऑफ इंक्रीज ICP है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद आपका GCS ग्लासगो कोमा स्केल की असेसमेंट करनी आनी चाहिए आपको। EVM फार्मूला होता है यहाँ पे राइट हेयर 4 5 6 वाला फार्मूला है EVM का, जैसे आई ओपनिंग में E से E एज एन आई ओपनिंग में 4 points होते हैं, V से वर्बल रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं, M से मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ईच का आई ओपनिंग का 4 5 और 6 का वाला ये फार्मूला है, इस हिसाब से हमें पेशेंट की असेसमेंट करनी होती है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए हर टॉपिक, इन सब टॉपिक के बिना एग्जाम पास होना बहुत मुश्किल है। गाइस टिप नंबर 20 को अच्छे से एक्सप्लोर कर देता हूं मैं दोबारा से। आपको हर एक क्रेनियल नर्व के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये फार्मूला है ओटा फगवा, ये ओटा फगवा वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन उसके बाद आपको हर एक क्रेनियल नर्व के नेम, असेसमेंट एंड फंक्शन आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपने अगर आपने आई असेसमेंट करनी है, तो आई असेसमेंट के लिए जैसे आपकी क्रेनियल नर्व है जो ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्युलर और अब्डुसेंट है, तीसरी चौथी और छठी। अब इनके जो फंक्शन है जैसे लेटरल मूवमेंट करती है, इनर अबडक्शन करती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब सेकंड एग्जांपल आपका ये है जैसे नाइथ और टेंथ क्रेनियल नर्व है, जैसे नाइथ में आती है हाइपोग्लोसोफ्रेंजल और टेंथ वाली है फेगस। अब इन दोनों में, नाइथ में और टेंथ में आपको एस्पिरेशन प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो ऐसे ही आप ऐसे अपने नोट्स बना सकते हो MS वर्ड ऑफिस में। तो इस तरीके से आप ऐसे बढ़िया वाले नोट्स बना के ना, की पॉइंट बना के, और ऐसे इस तरीके से इनके नाम याद कर सकते हो, इनके फंक्शन याद कर सकते हो, तो बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों को लिए। और ये पॉइंट, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से आना ही आना हो। तो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में पढ़ सकते हो और इजी तरीके से आप अपना NCLEX RN का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। टिप नंबर 21 को डिस्कस करते हैं, सम इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन टॉपिक जिनकी नॉलेज के बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। फर्स्ट वन है जैसे कि SIDS वर्सेस डायबिटिक इंसिपिडस। SIDS होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हार्मोन, एंड DI होता है डायबिटिक इंसिपिडस। अब इसमें आपको क्लियरली पता होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि SIDS में क्या डिफरेंट है और डायबिटिक इंसिपिडस में क्या डिफरेंट है। जो टॉपिक यहाँ पे मिस थे, यहाँ पे मैंने पेन के साथ उनको लिख दिया है, वही है नॉलेज। जितना आप पढ़ोगे उतनी आपको नॉलेज ज्यादा होगी। और सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप 2। डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है। फिर इसमें असेसमेंट, आपकी क्लाइंट टीचिंग, आपका ट्रीटमेंट, आप
आपकी क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड HHNS हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपका एब्डोमिनल पेन होता है, फ्रूटी ब्रेथ स्मेल आती है ना। अब इसमें आपका जो HHNS होता है ये आपका टाइप 2 में ज्यादा होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में ज्यादातर मिलता है ना। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंट है, आपको ये सारे डिफरेंट आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, है ना। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका एडिशन डिजीज एंड कुशिंग डिजीज। एडिशन डिजीज में और कुशिंग डिजीज में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, दोनों में साइन एंड सिम्टम, पेशेंट टीचिंग, क्लाइंट टीचिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। और एडिशन क्राइसिस से कैसे बचाना है पेशेंट को वो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या रोल प्ले करते हैं, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या रोल है इन दोनों डिजीज के अंदर, दोनों डिजीज के साइन एंड सिम्टम असेसमेंट, क्लाइंट टीचिंग, फैमिली टीचिंग, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडो में कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते। गाइस टिप नंबर 22, डिफरेंट बिटवीन एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड ट्रकियोस्टमी ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड ट्रकियोस्टमी ट्यूब के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दिखने में कैसी है और पर्पस कैसा है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का पर्पस, ट्रकियोस्टमी ट्यूब का पर्पस, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नर्सिंग केयर, एमरजेंसी डिस्लोजमेंट ऑफ ट्यूब। अगर एमरजेंसी डिस्लोजमेंट हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रकियोस्टमी ट्यूब एमरजेंसी डिस्लोजमेंट हो गई है ड्यूरिंग केयर या पोजिशनिंग के टाइम पे, तो इसके साथ आपको एयरवे को ट्रकियोस्टमी के जो यहाँ पे स्टोमा बनाते हैं इमरजेंसी केयर, उसमें ये है कि आपको एलिस के साथ वहाँ पे बेड साइड पे होनी चाहिए और एलिस के साथ आपको वो जो एयरवे मेंटेन करके रखनी है, स्टोमा को थोड़ा सा आपने डायलेट करके रखना है ताकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो और उसकी डेथ ना हो। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब माउथ के थ्रू डालते हैं लंग्स में और अगर वो डिस्लोजमेंट हो गई है तो आपने एम्बू बैग के साथ उसको पंप करते रहना है, पेशेंट का एयरवे प्रॉपर जो मेंटेन करके रखना है ये आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी डिस्लोजमेंट केयर सक्शन के ऊपर आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक सक्शन पॉइंट के ऊपर पता होना चाहिए, सक्शन पॉइंट के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्रग बिफोर गिवन बिफोर इंटुबेशन, इंटुबेशन से पहले कौन सी ड्रग देनी है, इंटुबेशन के बाद कौन सी ड्रग देनी है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोपोफोल, सबसे पहले आपने प्रोपोफोल देना है, स्टेटिव एजेंट देना है या फिर पैरालिटिक एजेंट देना है। सो सबसे पहले आपने प्रोपोफोल देना है जो कि स्टेटिव एजेंट है, देन उसके बाद पेशेंट को स्टेट करने के बाद उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, देन उसके बाद आपने ये जो पैरालिटिक एजेंट होते हैं, देन बाद में आपने पैरालिटिक एजेंट देने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सलाइन, कोलिन है, रुक्रोनियम है, वेनक्रोनियम है। गाइस टिप नंबर 23 है हमारे पास डिकेटुबिटस अल्सर। बेड सोर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कैटेगरी वाइज आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट आपको ये सारे पॉइंट आपको जो जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और एक होता है अनस्टेजेबल अल्सर, है ना, ये लास्ट वाला अनस्टेजेबल अल्सर। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए। एंड देन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि ये आपको एग्जाम में डिपिक्टेड पिक्चर के जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, डिपिक्टेड पिक्चर को देख के आपको बताना होता है एग्जाम में कि ये कौन से टाइप का अल्सर है। सो ये माइंड में इनकी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको पिक्चर देखते ही पता होना चाहिए कि ये विच टाइप ऑफ अल्सर इज दैट, है ना। तो अनस्टेजेबल मेरे को आया था एग्जाम में, अनस्टेजेबल को आप अच्छे से देख लीजिए, अनस्टेजेबल। तो फिशर होता है, ब्लैक कलर की लेयर होती है, इसको हम अनस्टेजेबल कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब इस चीज को फेसियोटोमीज के लिए करनी पड़ती है, इसको स्टेज देने के लिए। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना आप। जो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपको दे रहा हूँ वो टॉपिक सारे के सारे आपने अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप आंसर निकाल दोगे। गाइस टिप नंबर 24, जितने भी क्वेश्चन रूम असाइनमेंट के ऊपर आते हैं उन सब का एक ही गोल्डन रूल है, व्हेन मेकिंग रूम असाइनमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द क्लाइंट विद एन एक्टिव और सस्पेक्टेड इंफेक्शन शुड बी प्लेस्ड विद क्लाइंट हु हैज अ फ्रेश सर्जिकल वुंड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। तो एक ही गोल्डन रूल है, जितने भी क्वेश्चन रूम असाइनमेंट के ऊपर आते हैं सबका यही रूल है कि कोई भी पेशेंट जो इमीडिएट पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उन पेशेंट को एक्टिव
इन्फेक्शन वाले पेशेंट एक्टिव इन्फेक्शन पेशेंट के साथ को असाइन नहीं करना, यही चाहे हजार क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर आ जाए, सबका एक ही गोल्डन रूल है, इस रूल को अच्छे से याद कर लो गाइज। टिप नंबर 25 है हमारी, यू शुड नो अबाउट असेसमेंट ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड द असेसमेंट ऑफ पल्सिस स्केल। सो ये आपको, ये चार्ट है आपका, असेसमेंट ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स एबसेंट है तो 0, डिमिनिश्ड है प्लस 1, एक्टिव नॉर्मल है तो प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4। इस तरीके से आपका DTR एंड आपका पल्सिस पैराडॉक्सिस है, जो आपको पल्सिस की जो कैटेगरी होती है, जो स्केल देना होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए गाइस। टिप नंबर 26 है, जैसे कि डिफरेंट बिटवीन क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। ये दोनों डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिनके बारे में आपको सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता करने की, थोड़ी सी फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी में वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, तो हार्ट इज अनेबल टू गेट पम्प्ड टुवर्ड हार्ट साइड जो है ब्लड पंप नहीं हो पाता। जो लेग्स होते हैं, लेग्स में ब्लड इकट्ठा होता रहता है। स्किन वेन्स जो है वेरिकोज वेन हो जाती हैं, वेन डायलेट हो जाती हैं। स्किन ब्लड इकट्ठा होने की वजह से स्किन जो है वार्म हो जाती है ना। अब इसमें ब्रोजन पिगमेंटेशन स्किन होती है, एडिमा और अल्सर हो जाते हैं। अब अगर बात करते हैं हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के अंदर कुछ इस टाइप से क्लोट आ जाता है। क्लोट आने की वजह से हेयर लॉस हो जाते हैं। पेशेंट जब चलता है तो चलने की वजह से इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होती है पेशेंट में, है ना। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होने के बाद देन जो पल्सिस होती है हमारी, पेरिफेरल पल्स जो है वो डिमिनिश्ड हो जाती है ना। देन उसके बाद जो हमारे अल्सर हो जाते हैं, हमारे जो बिग टोज में अल्सर होता है, गैंग्रेन होते हैं, स्किन ठंडी पड़ जाती है, कूल हो जाती है स्किन, ड्यू टू क्योंकि ब्लड नीचे नहीं आ पाता तो स्किन जो है वो बिल्कुल कूल हो जाती है। तो ये जो साइन एंड सिम्टम है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के, और जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ और क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी है, ये सिम्टम आपको अच्छे से आने चाहिए। देन उसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको, जिसके बारे में आपको पता ही पता होना चाहिए और बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डिफरेंट बिटवीन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। साइन एंड सिम्टम क्लाइंट टीचिंग ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम, ऑल साइन एंड सिम्टम रिलेटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर टू जो हमारे पल्मोनिक सिम्टम होते हैं, पल्मोनिक सिम्टम जितने भी पल्मोनिक सिम्टम है ना, जिस पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर आया है तो उसका एक ही वर्ड में आंसर निकल जाएगा आपका कि पल्मोनिक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जिस पेशेंट को हुआ है, पल्मोनिक सिम्टम आएंगे। जैसे आप उनको डिस्निया होगा, PND होगा, प्रोक्सिमल नक्चुरल डिस्निया होगा, क्रैकल्स आएंगे, पल्मोनरी एडिमा होगा, डिस्निया होगा, है ना, और S3 साउंड सुनेगी, कार्डियोमेगैली होगी, हार्ट का साइज बढ़ेगा, लेफ्ट साइड डायलेट होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होगा, है ना, तो S3 साउंड सुनेगी पेशेंट्स में। तो जितने भी पल्मोनिक सिम्टम से रिलेटेड हैं सारे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम आएंगे। अब बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम सिर्फ एक वर्ड में खत्म करने के लिए इसको बोलते हैं सिस्टमिक सिम्टम। सिस्टमिक यानी कि सिस्टमिक सिम्टम में कौन कौन से आएंगे, हिपेटोस्प्लेनोमेगैली आएगी, एसाइटस होगा, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूड भर जाएगा, है ना, एडिमा होगा लंग्स में, पैरों में पेरिफेरल एडिमा होगा, जुगलर वेन डिस्टेंशन होगी। तो ये सारी चीजें राइट साइडेड यानी कि सिस्टमिक सिम्टम आएंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। अब गाइज इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर तीनों ही लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम आते हैं, वो कंडीशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जिस पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उस पेशेंट को दोनों ही सिम्टम आएंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के भी और राइट साइडेड हार्ट फेलियर के भी। कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम कौन कौन से हैं, तो दोनों के सिम्टम आपको कंबाइन करके ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साटा वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ ये क्या कौन सी ऐसी बीमारी आ गई है अलग से, है ना। तो दोनों के सिम्टम आएंगे राइट के भी और लेफ्ट के भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। टिप नंबर 27 है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑन कॉमन हर्बल थेरेपी। इसमें तीन चीजें ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कॉमन हर्बल थेरेपी के नेम,
यूजेस ड्रग इंस्ट्रक्शन और कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज कर. सो ये कुछ मैंने टेबल बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना. ये टेबल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एक एक हर्बल थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए और उस हर्बल थेरेपी को के यूजेस पता होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए, कौन सी हर्बल थेरेपी, कौन सी हर्बल किस ड्रग्स को कॉन्ट्राइंडिकेट करती है, ये विच मीन्स की ड्रग का जो एक्शन है उसको बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है. अब जो कॉमन है, जैसे जिनसिंग बिबलो है, वो माइंड मेमोरी के लिए, मेमोरी एनहेंसमेंट के लिए पेशेंट यूज करते हैं अमेरिकन, है ना, तो ये ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाती है. अब इसके लिए जैसे एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन होती है, ये हेपरिन वगैरह हम इसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, जिनसिंग बिबलो है मेंटल परफॉर्मेंस के लिए देते हैं, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ाती है ना. ऐसे ही G5 सिम्टम है, जैसे गार्लिक, जिंजर, जिनसिंग बिबलो, जिनसिंग फीवर सो सो पलमिटो, ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं, ये हमारी, ये मैंने पेन के साथ लिखा हुआ है, ये हमारे जो है ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाएंगी. ऐसे ही ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हर्बल थेरेपीज हैं जो आपको हर एक हर्बल थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए, यूजेस, ड्रग्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारे आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए. टिप नंबर 28 के अंदर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन विच इंक्लूड साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और टॉक्सिसिटी. अब अगर टॉक्सिसिटी होती है इन ड्रग्स के बारे में, कौन सा हमने इसके लिए एंटीडोट देना है, जैसे EPS होता है, EPS की जब EPS अगर होती है, इनकी टॉक्सिसिटी होती है, तो हमने क्या देना होता है, बेंजोट्रोपाइन एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन है जो EPS के साइड इफेक्ट को, टॉक्सिसिटी को कम करती है. इनके बारे में आपको मेन, जैसे टिपिकल एंटीसाइकोटिक इस कंडीशन में देते हैं, प्राइमरली यूज फॉर स्किजोफ्रेनिया. एटिपिकल किस चीज में देते हैं, स्किजोफ्रेनिया में तो देते ही देते हैं, मूड डिसऑर्डर में भी देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म में देते हैं, और इनके अलग अलग से फिर दोनों टिपिकल एंटीसाइकोटिक के, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के अलग अलग साइड इफेक्ट हैं, किसके टिपिकल वाले साइड इफेक्ट कौन से हैं, एटिपिकल वाले साइड इफेक्ट कौन से हैं, किस साइड इफेक्ट में कौन सा एंटीडोट देना है, है ना, किस तरीके से हमें पेशेंट का टिपिकल में और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में कौन कौन सी लैब वैल्यू को मॉनिटर करना है, ये सारे पॉइंट्स इस चार्ट में कवर हो जाते हैं. तो इस तरीके से आप अपने नोट्स, अपने जो MS वर्ड्स के अंदर आप ऐसे वाले नोट्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं रेडी और एग्जाम में पास हो सकते हैं. गाइस, टिप नंबर 29 है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन व्हिच इंक्लूड शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन. जैसे एग्जांपल के लिए जो कुछ रेस्क्यू मेडिकेशन होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे अस्थमा अटैक आया है ना, पेशेंट को अस्थमा अटैक में बिल्कुल रेस्क्यू इमीडिएटली क्विक एक्शन कौन सी मेडिसिन है, वो आपको याद करनी है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को सीवियर एंग्जाइटी हो गई है, अस्थमा अटैक आया है, तो कौन सी क्विक रिलीफ शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशन कौन सी है. जैसे ये ऐसे इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं और चार्ट बना के आप 2 दिन में आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, तो ऐसे वाली आप लिस्ट बना सकते हैं. टिप नंबर 30, ट्राई टू मेक अ टेबल जस्ट लाइक मी ऑन डिफेंस मैकेनिज्म. ये टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा बोरिंग भी है. आई अंडरस्टैंड, ये डिफेंस मैकेनिज्म इतने बोरिंग है, इनको याद करना, रट्टाफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इस चीज का सोल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए. ये एक पेज है, सिंगल पेज है ना, इस पेज पे मैंने सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है वो लिख दिए हैं, डिफरेंट बुक से कीवर्ड उठा के, एग्जांपल बना के, इसमें सारे डिफेंस मैकेनिज्म मैंने बहुत इजी वे में लिखे हैं, विच इंक्लूड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन एंड कंपनसेशन. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आता भी है और नहीं भी आता, बट आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए. एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, आपको पता होगा, नहीं आया तो आपको यू हैव नथिंग टू लूज, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना पड़ेगा. टिप नंबर 31 का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर. सीजर की क्लासिफिकेशन आपको आ जानी चाहिए. सीजर की क्लासिफिकेशन के बाद आपको इंटरवेंशन ऑफ सीजर, प्रिवेंशन ऑफ सीजर, ड्रग यूज्ड इन सीजर, और इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरवेंशन ऑफ सीजर. इंटरवेंशन ऑफ सीजर आपको आ जाना चाहिए. क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा सीजर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन तीनों पॉइंट्स में से इंटरवेंशन ऑफ सीजर इंपॉर्टेंट है. अच्छे से घोट लो, अंदर पी जाओ इसको. टिप नंबर 32, एरिक इरेक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंटल ऑफ थ्योरी. ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं बता नहीं सकता. आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस थ्योरी, चैनल के अंदर फ्री टाइम में आप जाओगे तो इस थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है. एक एक स्टेज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चैनल के अंदर
अंदर जाके फ्री टाइम में इस वीडियो के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर ये वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है। और इस थ्योरी के ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन 120% बनता ही बनता है, तो इस थ्योरी का एक एक पॉइंट, एक एक स्टेज आपको पढ़ने की जरूरत। गाइस टिप नंबर 33 है हमारे पास, कलर अपीयरेंस असेसमेंट ऑफ पोस्ट सर्जिकल ड्रेसिंग। ये जो भी आप ड्रेसिंग के कलर्स देख रहे हो, तो इसके आपको माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पोस्ट सर्जिकल क्लाइंट का जो वुंड है, जैसे सीरो सैंगुनस है, सीरो सैंगुनस जो होता है पेल होता है, वाटरी होता है, टिड है विद इन, घबराना नहीं है, नॉर्मल होता है ना, गलत मत कर देना फाइनल एग्जाम में। अब जो सैंगुनस होता है, जो सैंगुनस वर्ड है वो होता है ब्राइट रेड। सैंगुनस का मतलब होता है ब्राइट रेड, विच मीन इंटरवेंशन देने लायक है, सोचने लायक है, नोटिफाई टू फिजिशियन। अगर सैंगुनस आ रहा है, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएट इंटरवेंशन लेनी है। ये मैंने सैंगुनस वाला आपको बता दिया। सैंगुनस पेल पिंक वाटरी मिक्सचर ऑफ कलर एंड रेड फ्लूड एक्सपेक्टेड है विद इन 2 आवर आफ्टर सर्जरी, 24 आवर तक भी एक्सपेक्टेड है। देन प्लूरेंट इन्फेक्शन है, अगर ऐसा येलो कलर आपको दिख रहा है तो नोटिफाई टू एचसीपी इन्फेक्शन हो गई है वार्ड में, इमीडिएट बताना है, फॉलोअप करना है। सीरियस बिल्कुल ओके है, क्लियर है, गुड है, गुड साइन है। सो ये आपको अच्छे से इस चार्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके ऊपर। गाइस टिप नंबर 34 है, मेक अ शॉर्ट नोट और शॉर्ट टेबल ऑन अ कम्युनिकेशन एंड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू पास योर एनक्लेक्स आरएन एग्जाम, बिकॉज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के ऊपर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं, रूल है NCSBN का। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आपको आनी ही आनी चाहिए। ये जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हो, ये है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड इनके एग्जांपल, इन चीजों को आप अच्छे से रट लो, एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन। गाइज टिप नंबर 35, टिप नंबर 35 के अंदर टॉपिक आता है हमारा एसिड बेस बैलेंस एंड बफर सिस्टम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एसिड बेस बैलेंस एंड बफर सिस्टम, दिस टॉपिक इज सुपर सुपर क्रेजी। एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते ही आते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक, थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन उतना ही इजी भी है अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, अच्छे से करते हो। कोई डिफिकल्टी है, यू कैन रीच मी एट एनी टाइम। और गाइज फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे भी सेम नाम से, जिस नाम से चैनल है, सेम नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां पे फॉलो करना मत भूलना। एनक्लेक्स से रिलेटेड अपडेट, एनक्लेक्स से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी है, टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, मैं वहां पे भी अपडेट करता करूंगा आगे से। मैंने वहां पे भी अकाउंट बना लिया है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। टिप नंबर 36 में आता है ड्रग कैलकुलेशन। दिस टॉपिक इज सुपर सुपर क्रेजी एंड सुपर सुपर इजी इफ यू फॉलो द ड्रग कैलकुलेशन रूल एंड रेगुलेशन। देयर इज ओनली 8 रूल एंड रेगुलेशन। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आंसर निकालते हो, देन यू विल बी फाइन। आपका कोई भी क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के अंदर गलत नहीं होगा, आई गारंटेड यू। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप चलते हो ड्रग कैलकुलेशन टॉपिक के अंदर। ये ड्रग कैलकुलेशन आपका 10th के जो मैथ, जो 10th का मैथ है, उससे भी ज्यादा इजी है अगर आप रूल को फॉलो करते हो। और ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा इजी है, एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते ही आते हैं। सो यू मस्ट हैव टू बी वेरी वेरी परफेक्ट इन ड्रग कैलकुलेशन। गाइस टिप नंबर 37, टिप नंबर 37 के अंडर आता है चाइल्ड माइलस्टोन। ये टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा हार्ड भी है। इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, इतने ज्यादा चाइल्ड माइलस्टोन होते हैं, बर्थ टू एडोलेसेंट तक, उन सारे माइलस्टोन को याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा भी मिलेगा इसके ऊपर। अगर आप इन सारे माइलस्टोन को, बेसिक माइलस्टोन को याद कर लोगे, तो विच इज रियली इजी फॉर यू इन योर फाइनल एग्जाम। अगर नहीं याद करते तो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। गाइस टिप नंबर 38 है, दिस टिप इज लास्ट बट नॉट लिस्ट। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को दूंगा एक शानदार टिप और एक बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट इज दैट व्हेन एवर यू डन विद ऑल दीज 38 टिप एंड ऑल दीज 38 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल एनक्लेक्स आरएन एग्जामिनेशन, व्हेन एवर यू डन, इट डजंट मैटर अबाउट द टाइमिंग, ब्रिंग योर सब्सक्रिप्शन ऑफ आर्चर फर्स्ट। अबाउट 2800 क्वेश्चन है आर्चर में, 75 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से अगर करते हो, तो आप अबाउट 40 डेज में आर्चर के सब्सक्रिप्शन को फिनिश कर सकते हो। 2800 क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। गाइज बिलीव मी, बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छी टिप है, वर्क करके
देखना, नहीं काम करे तो फिर मुझे बोलना। देन वेन एवर यू डन विद द आर्चर सब्सक्रिप्शन, देन उसके बाद आपने दो ऑप्शन है आपके पास, ब्रिंग योर सब्सक्रिप्शन ऑफ यू वर्ल्ड एंड कैपलैन। उसके बाद उसमें 2200 क्वेश्चन है, एक महीने में आप 75 क्वेश्चन के हिसाब से, वन मंथ में आप ये खत्म कर सकते हो। देन उसके बाद जब आपका यू वर्ल्ड और दोनों में से एक, यू वर्ल्ड और कैपलैन में से जब जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है फिनिश हो जाएगी, देन कॉन्टैक्ट मी बिफोर योर फाइनल डेट ऑफ एग्जाम, बिफोर 15 days, 15 दिन पहले आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, इधर फेसबुक पेज से या फिर इंस्टाग्राम पेज से। देन आई एम गोना गिव यू अ वेरी बिग बोनस फॉर यू फॉर योर फाइनल एग्जाम। एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, एक ऐसी टिप बताऊंगा आप लोगों को जिसकी वजह से आपका एग्जाम पास होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसी एप्लीकेशन है, 15 दिन पहले आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। स्ट्रेटजी बेस्ड एप्लीकेशन है, स्ट्रेटजी के ऊपर बनी हुई है, 1500-1100 क्वेश्चन है उस एप्लीकेशन के अंदर, स्ट्रेटजी बेस्ड है वो। उस एप्लीकेशन को पढ़कर आप जब फाइनल एग्जाम में जाओगे, आप ये सीख जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालना है, और वो सारी की सारी जो भी 1100 क्वेश्चन बने हुए हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे के सारे स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों के आंसर निकालने आ जाएंगे उस एप्लीकेशन में से। और देन व्हेन एवर यू डन, टेक योर एग्जाम डेट एंड गो इन योर एग्जाम एंड यू विल डिफीट योर एग्जाम 110%। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज टू। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी एट एनी टाइम बाय फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।